हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं आलू के समोसे। तो उसके लिए हम सबसे पहले चाहिए हमें मैदा। मैदा हमने बेल पार्लर का लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये हाफ के जी है, तो हम इसमें से 1 पाव मैदा निकालेंगे। ये हमारा 1 पाव मैदा हो गया है। इसके अंदर ये 2 चुटकी ज़ीरा है, ये हम हाथ से ऐसे रखकर के इसके अंदर डालेंगे। ये आ गया है। नमक डालेंगे हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून, और उसके बाद जाएगा इसके अंदर घी। घी 1 टेबल स्पून भर के आपने डालना है इसके अंदर, और अब इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसको हम मिक्स करते हैं, बिल्कुल भुरभुरा बनाना है इसको, और फिर इसको हम पानी से भूनेंगे। ये देखिए, हमने इसको बहुत अच्छे से कर लिया है, इस तरह से भुरभुरा सा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, और इसको अच्छे से सिर्फ लपेटेंगे, इसको भालना इस तरह से। ये हम थोड़ा और इसको मिक्स करते रहेंगे। डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है। नॉर्मली आपको आपके हाथ से घूमने से आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैदा जब ठहरता है तो वो पतला हो जाता है। ये हमने 1/2 ग्लास पानी लिया था, और उसमें से भी ये थोड़ा सा बच गया है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे और इसकी डो बनाएंगे। अच्छा जी, ये हमारा जो है आलू के समोसों का डो वो रेडी हो गया है। इसको अब हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है, ताकि ये अच्छे से रेस्ट कर ले और बहुत अच्छे समोसे बने इससे। बाकी अब हम चलते हैं आलू की तरफ। आलू हमने लिए हैं 1 पाव, वो हमने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। ये हमारे 1 पाव आलू हैं, ये बॉईल हो रहे हैं। जैसे ये बॉईल होते हैं, तो जब तक हम इसका हरा मसाला काटेंगे और फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करके समोसे बनाएंगे। अच्छा जी, हमने आलू का जो है हरा मसाला तैयार कर लिया है। इसमें हमने 1 दरमियान साइज की प्याज ली है, उसको बारीक काट लिया है। 2 अदद हमारे पास बड़ी हरी मिर्चें थी, उनको हमने कट कर लिया है। 4 से 5 डंडियाँ पुदीने की, और इसी तरह से हरे धनिया की, ये हमने धो के काट ली है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1 चुटकी ज़ीरा है जो हमने हाथ से जो है वो रगड़ लिया है। 1/2 टीस्पून जो है हमारे पास है किसी भी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून है हमारे पास किसी भी लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून है हमारे पास हल्दी, और 2 चुटकी हमारे पास है कुटा हुआ साबुत धनिया। आलू हमारे जो है वो बॉईल हो गए हैं। हमने 1 आलू का छिलका उतार दिया है और 2 का नहीं उतारा है, तो हम इसको इस तरह से तोड़ लेंगे। आलू का छिलका आलू के समोसे में बहुत अच्छा लगता है, तो इसको हम ऐसे खोलते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। जैसे ये ठंडा होता है, ये तमाम मसाले हम इसके अंदर शामिल करते हैं। आलू हमारे जो है वो ठंडे हो गए हैं। अभी इसके अंदर हम ये ड्राई स्पाइसेस जो है हमारे ये शामिल करेंगे, और लहसुन जो है हमारा चॉप हुआ हुआ शामिल करेंगे। इसको अच्छे से हाथ से आपने मिक्स करना है हल्के हल्के। अब इसके अंदर हम ये हरा धनिया और पुदीना जो हमने काटा हुआ था ये, और हमारी हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छा जी, वो सारे मसाले हमारे जो है मिक्स हो गए हैं। अब इस प्याज को हम पहले अच्छे से हाथ से इस तरह से खोल लेंगे। डायरेक्ट आलू में नहीं डालेंगे, इस तरह से इसको खोल के फिर हम शामिल करेंगे। तो ये हमारी प्याज को हम थोड़ा सा नरम भी कर लेंगे हाथ से, इस तरह से करके प्याज हमारी हो गई है। अब हम इसको आलू में शामिल करेंगे। पहले हम थोड़ी सी शामिल करेंगे, सारी एक साथ नहीं डालेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा जी, ये जो हमने प्याज इसमें शामिल की है ये बहुत है इसके लिए। ये हमारी थोड़ी सी बच गई है, तो आप देखिएगा, आप 1/2 प्याज लीजिएगा। और ये हमारा बैटर जो है भुट्टे का ये रेडी हो गया है। अब हम भुट्टे की जो है वो पट्टियाँ बनाएंगे। मैदा जो हमने गूंदा था वो हमारा रेस्ट हो चुका है बहुत अच्छे से, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। और चलते हैं समोसे बनाने की तरफ। समोसे की डो जो है वो ठहर गई थी, इसका हमने पेड़ा बना लिया था। अब हम इसको बेलेंगे बहुत अच्छे से, और इसको ओवल शेप में हमें बेलना है, राउंड में नहीं करना है, क्योंकि ये एक पेड़ में से हमारे 2 समोसे निकलेंगे, तो हमें 2 समोसे बनाने हैं, तो इसको ओवल शेप में हमें बेलना है। ये देखिए, ये हमारी डो जो है ये ओवल शेप में आ रही है। अब इसको सेंटर से हम कट करेंगे, ये इस तरह से आ गया है। अब इसको हम समोसा बनाएंगे इसका, इस तरह से इसको ट्राइंगल लेके, और यहाँ से इसको प्रेस करेंगे यहाँ से भी, और अब हम इसमें बैटर भरते हैं।
ये जनाब हमारा बटर आ गया है। और अब इसको इस तरह से यहाँ से पकड़ के सेंटर से एक और हम बनाते हैं आपके सामने, इसको भी हम इस तरह से लेंगे। याद रही है इस तरह से इसको हाफ ऑफ करेंगे और यहाँ से इसकी मोह बंद करके और यहाँ से इसको फैला के कवर कर देंगे। ये हमारी फोम टाइप जो है वो रेडी हो गई है। इसके अंदर अब हम फिलिंग करेंगे। जितनी ज़्यादा आपको पसंद हो उतनी, और अगर कम पसंद है तो कम फिलिंग कर दी। हमने अब ये सेंटर से सेंटर मिला के इसको यहाँ से प्रेस करेंगे इस तरह से, और ये हमारा समोसा जो है वो रेडी हो गया है। इस तरह से हम सारे बनाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए एक पाव में जो है हमारे 12 समोसे रेडी हुए हैं। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा। ये बाज़ार में जो है 15 रुपए का एक मिलता है, और आपके कितने कम खर्च में जो है घर में 12 समोसे तैयार हो गए हैं, और बहुत आसानी के साथ, बहुत मज़ेदार, हर तरह से फ़ायदेमंद। आपको पता है आपने इनमें क्या चीज़ें शामिल करी हैं, वो किस तरह से कितनी साफ़ सुथरी हैं, ये सब आपको खुद मालूम है। तो घर में अपने लिए, अपने बड़ों के लिए, बच्चों के लिए आप खुद बनाया करें। बहुत आसान रेसिपी हमने आपको दे दी है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।